हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पुलाव। तवा पुलाव मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम तवा पुलाव कैसे बनाते हैं यह सीखते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है। अभी हम इसमें 2 चम्मच बटर डालेंगे। आप बटर की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4। आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। हम इसे 1 मिनट तक भून लेते हैं। इसके बाद जीरा 1 चम्मच। अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने बड़ा साइज का एक प्याज लिया है और इसे बारीक काट लिया है और हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। बहुत इजी तवा पुलाव है और बहुत जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। अगर आपके घर पर पार्टी हो तो आप इसे जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितना ये जल्दी बनकर रेडी हो जाता है उतना ये टेस्टी लगता है। प्याज को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अभी हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटी हुई बारीक शिमला मिर्च ली है। इसके बाद बीन्स बारीक कटा हुआ, हरे मटर मैंने इसे पहले बॉईल करके लिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने टमाटर का बीज हटा दिया है और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए। टमाटर तवा पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा 1/2 कप हम पानी डालते और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर को मैंने अच्छे से मैश किया है 3 से 4 मिनट तक और ये अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का आलू लिया है और इसके टुकड़े किए उबला हुआ। इसके बाद नमक 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसके बाद गरम मसाला 1/2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ली है, इससे कलर अच्छा आता है। पाव भाजी मसाला मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है। अभी हम 1 चम्मच पहले डालते हैं और 1 चम्मच बाद में। पाव भाजी मसाला तवा पुलाव में सबसे ज़रूरी रहता है, ये डालना बहुत ज़रूरी रहता है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाले वो सब अच्छे से लग जाएंगे सब्जी को। मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स किया है। अभी हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पर मैंने उबले हुए चावल लिए, 250 ग्राम चावल है ये। अभी हम चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए। अगर आपको रात के चावल लेना हो वो भी आप ले सकते हैं तवा पुलाव में। 3 से 4 मिनट तक हम चावल को इस सब्जी और मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी का मचा हुआ पाव भाजी मसाला हम डाल देते हैं।
तीन से चार मिनट हो चुके हैं, हमने राइस को अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छे से आ गया है और कितनी इजी रेसिपी है और बहुत फटाफट बनकर रेडी भी हो जाती है। हमारा तवा पुलाव अभी रेडी हो चुका है। हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से बना है। हमारा मुंबई स्टाइल में तवा पुलाव खाने के लिए अभी रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।